राधे राधे दोस्तों, जन्माष्टमी की रात को इस उपाय को करने से जिनके घर परिवार में नकारात्मक ऊर्जा है, डिप्रेशन के वो मरीज हैं, रोज रोज बुखार आ जाता है, बीपी लो होता है, हाई होता है, चाहे शरीर के किसी भी अंग में घुटनों में दर्द हो, 6 सितंबर जन्माष्टमी की रात को आपको एक छोटा सा उपाय करना है जिससे आपके घर की बड़ी से बड़ी नेगेटिव ऊर्जा, आपके शरीर में रहने वाली नेगेटिव ऊर्जा ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके घर में रोज़ लड़ाई झगड़े रहते हैं, बरकत भी नहीं होती है, तो भी सब कुछ आपके घर में मंगलमय होना शुरू हो जाएगा इन उपाय को करने से। दोस्तों, जन्माष्टमी की रात भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। अंधेरी काली रात थी। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे, जो धरती पर अवतरित हुए थे दुष्टों का संहार करने के लिए, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। जब श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था दोस्तों, ब्रह्मलोक के जितने भी देवी देवता थे, सब के सब धरती पर आगमन किया था। सब ने अपना आशीर्वाद नमन किया था, प्रभु की लीला को देखते हुए, प्रभु की लीला को देखने के लिए आए थे। और जब तक श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर विराजमान थे, बाल रूप में या फिर बड़े भी हुए, सारे जगत की जितनी भी अच्छी शक्ति थी, बहुत मतलब बुरी भी शक्तियाँ थी, अच्छी भी शक्तियाँ थी, सब शक्तियाँ धरती पर आती थी। दोस्तों, जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत ही पावन है। सनातन धर्म में हर इंसान, हर व्यक्ति श्री कृष्ण भगवान से जुड़े हुए हैं, भगवान की लीलाओं से जुड़े हुए हैं, अवगत हैं सारी लीलाओं से। और 6 सितंबर जन्माष्टमी की रात है, तो बहुत बड़ी रात होने वाली है। बहुत ही अचूक आपको उपाय करने हैं नेगेटिव ऊर्जा दूर करने के लिए। आपके शरीर से संबंधित रोगों के लिए आपको मैं जो उपाय बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना, वीडियो को स्किप मत करना। भादों का महीना कृष्ण पक्ष की अष्टमी पड़ रही है, इसीलिए ये महासंयोग है दोस्तों। इसी महीने में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा इस वक्त धरती पर आती है। भगवान श्री कृष्ण की ही शक्ति है योग माया, और योग अपनी माया के द्वारा, अपनी समस्त शक्तियों के द्वारा समस्त संसार में उजाला करती हैं और नेगेटिव, समस्त नेगेटिव ऊर्जा का नाश करती हैं। दोस्तों, योग माया को महाकाली का रूप माना जाता है। महाकाली ही साक्षात होती हैं योग माया के रूप में, और जहाँ माँ काली होती है वहाँ पर तो कोई नेगेटिव ऊर्जा टिक ही नहीं सकती, सर्वनाश कर देती है महाकाली नेगेटिव ऊर्जा का। तो बात कर लेते हैं अब उपाय के बारे में। 6 तारीख 11 बजे से, रात 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में ये उपाय आपको करना है। 2 घंटे का समय रहेगा। आपको 11 लौंग लेनी है, फूल वाली जिसके ऊपर फूल होता है, आपको 11 लौंग लेनी है, और 5 काली मिर्च लेनी है, 1 छोटी गुड़ की डली आपको लेनी है, छोटा सा काला कपड़ा लेना है, उस काले कपड़े के ऊपर आपको 11 लौंग रखनी है, 5 काली मिर्च और 1 गुड़ की डली उस काले कपड़े के ऊपर आपको रखनी है। उसके बाद दोस्तों, आपको श्री कृष्ण काली का जो रूप होता है, क्योंकि श्री कृष्ण का एक रूप है जो माँ काली के साथ भी पूजा जाता है, आप अगर नेट पर सर्च करोगे कृष्ण काली के रूप में, तो आपके सामने बहुत ही सुंदर सी प्रतिमा आएगी, मैं लगा दूंगी स्क्रीन पर। आपको आवाहन करना है, हे श्री कृष्ण काली, आप पधारे, मेरे घर में पधारे। जिस व्यक्ति के ऊपर कोई भी रोग हो, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हो, उस इंसान के ऊपर, उस बच्चे के ऊपर आपको 7 बार उतारनी है। ये मत समझना कि लेडीज़ के ऊपर नहीं उतरेगी, जिसको भी परेशानी है उसके लिए ये उपाय बता रही हूँ। काले कपड़े में जो आपने सामान रखा है वो आपको 21 बार उस इंसान के ऊपर उतारना है, और ओम नमः शिवाय ओम का जाप आपको करते रहना है, फिंगर पे आप काउंट करते रहना। दोस्तों, साथ ही आपको प्रार्थना करते रहना है कि हे श्री कृष्ण काली, इस व्यक्ति के ऊपर जो भी नेगेटिव ऊर्जा है या इसके शरीर में कहीं पर भी जो दर्द हैं, जो भी रोग से ये पीड़ित है, इसको तुरंत आप ख़त्म करें और इस व्यक्ति को आराम दें। जो भी नेगेटिव ऊर्जा है उसको इसके शरीर से निकाल के, उसका नाम आपको ले लेना है, इसके शरीर से निकाल के अपने चरणों में रखिए, और इसको अपनी ऊर्जा से, अच्छी ऊर्जा से इसको अवगत कराएं, अपनी सेवा भक्ति इससे कराएं। दोस्तों, उतारना किस साइड से है आपको ये मैं आपको बता देती हूँ। जिस तरह आपके दीवार की घड़ी घूमती है उसी एंगल में आपको उस इंसान के सिर के ऊपर से आपको 21 बार
ये चीज़ें उतारनी है। दोस्तों जब आप उस व्यक्ति के ऊपर से इस उतारे को उतार लेंगे, आपको सीधे जाना है माँ काली के मंदिर में। अगर काली का मंदिर खुला हो कहीं पे, आप काली के मंदिर जाइए। सीधा पीछे मुड़ के आपको बिल्कुल नहीं देखना है, ना किसी के साथ बोलना है। अगर काली माता का मंदिर नहीं खुला हुआ है तो दोस्तों आप किसी चौराहे पर जा कर के एक साइड में, जहाँ किसी का पैर ना लगे, वहाँ पे आपको ये इस उतारे को रख देना है। दोस्तों जब आप इस उतारे को चौराहे पर रख दोगे या फिर काली माँ के मंदिर में रख दोगे, आपको सीधे अपने घर आ जाना है। किसी से नहीं बोलना है, ना ही आपको पीछे मुड़ के देखना है। सीधे आप अपने घर आ जाएं। घर में एंट्री करने से पहले आप अपने हाथ मुंह जो है बाहर ही धोने की कोशिश करें। पहले ही एक बाल्टी पानी आप अपने घर के दरवाजे पर रख के जाएं और आते ही सीधे अपने हाथ मुंह अच्छे से धो करके जब घर में प्रवेश करें। दोस्तों जब आप उतारा उतारेंगे उस व्यक्ति के ऊपर से, उस व्यक्ति को भी बोलें ओम नमः शिवाय, ओम का जाप करता रहे। और आप भी जब तक जाएंगे उतारा रख के वापस घर पे आएंगे, तब तक आपको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय आपने मन में बोलते रहना है। बिल्कुल भी किसी और के साथ आपको नहीं बोलना है। और दोस्तों इस उपाय को करना, जन्माष्टमी की रात को अष्टमी भी है और बहुत सारे नक्षत्र जो हैं, बहुत सारे शुभ योग जो हैं इस रात को होते हैं। माँ काली श्री कृष्ण भगवान के साथ विद्यमान रहती हैं। कृष्ण काली के रूप में भी पूजी जाती हैं। कृष्ण भगवान और माँ काली का एक ही स्वरूप है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ बार बार। इतना मनमोहन जो रूप है श्री कृष्ण काली माँ का, बहुत ही प्यारा रूप है, जो कि काली माता बड़े से बड़े संकट को काटने में, बड़े से बड़े दुष्टों का नाश करने में बहुत ही मानी जाती हैं। जो इंसान प्रेत बाधा से पीड़ित है या फिर तंत्र क्रिया से परेशान है, उसके लिए ये उपाय बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। इस उपाय को आपको करना है। आपके घर में भी कोई नेगेटिव ऊर्जा है वो भी ख़त्म हो जाएगी, या फिर किसी की नज़र लगी हुई है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अगर तंत्र क्रिया करवाई गई है तो उसमें भी आपको आराम मिलेगा। दोस्तों इस उपाय को आप ज़रूर करना। दोस्तों आप सबके लिए मैंने ये वीडियो आज सुबह 4 बजे ही बनाई थी कि आज जन्माष्टमी है, तो ये छोटा सा उपाय मैं आप सबको बता दूँ, जिससे आप अपने घर में अच्छे से खुश रहें, अपने घर में अच्छे से प्रसन्न रहें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी बात पूछनी होती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको उस बात का, उस चीज़ के लिए आपको सजेशन दूंगी, उसकी जानकारी आपको दूंगी, रिप्लाई आपको करूंगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको मिले। और मैं रोज़ वीडियो अपलोड करती हूँ आप सब के लिए, अच्छे से अच्छे उपाय बताती हूँ, ताकि आप अपने घर में खुश रहें, मंगल से रहें। दोस्तों अब मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मैं मिलूँगी आपको एक नई वीडियो में, नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।